वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। सो भाई देखो भाई, ये अपनी फोक्सवैगन वेंटो तो देख ही रहा, बहुत टाइम पुराने से इस चैनल पे हमारे, और आज ने गाड़ी बहुत धुंधी हो गई, थोड़ा जल्दी चलते इसको धुलाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बोश के सर्विस सेंटर। रीज़न क्या है, मेरे पास ये कार्ड है ये वाला, तो इसका मैंने पूरा एक वो था, पैक था इसका, जिसमें कि तीन चार बार आपको ये लोग सर्विस देते हैं, और तीन चार बार सर्विस में क्या क्या करेंगे, व्हील अलाइनमेंट, छोटी मोटी जो भी कार की स्कैनिंग वगैरह, और पूरी बॉडी क्लीनिंग, वैक्सिंग एंड ऑल, जो भी है 10 तरह की चीज़ें वो सब करेंगे। तो आज वो करवा लेते हैं, दो बारी मैंने करवा लिए, लास्ट टाइम रह रहा ये भी करवा लेते हैं, 2 साल तक किसकी वैलिडिटी थी। तो आज चलते हैं, ये SP सेंटर है जो कि यहीं पर एक मूर्ति के पास खुला हुआ है ग्रेट नोएडा में, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। और पिछली बार उन लोगों ने क्या करा था कि भाई उनका सर्विस सेंटर कुछ इस तरीके का है कि थोड़ा सा ना ढीला टाइप, क्योंकि आए दिन वहाँ पे एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, और पिछली बार उन्होंने ना कह दिया भाई मेरी ये खराब है, ये खराब है, 10 तरह की चीज़ें गिना दी हमें कि भाई ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम नॉर्मल अपने कार वॉशिंग करवा के उनसे आ गए थे। तो अभी चलते हैं, फिर से देखते हैं क्या क्या चीज़ें उनके अंदर अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। और अभी भाई देखो, गाड़ी का ना मैंने एक चीज़ देखा भाई, धूप में खड़ी करने के बहुत नुकसान होते हैं, और अगर आप लोग कवर पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी करते हो ना, तो बहुत बेनिफिट्स हैं, गाड़ी का फेड नहीं होता कलर, गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, शीशों में क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब आप धूप में खड़ी करते हो, स्पेशली पुरानी गाड़ियों को गैस वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं अंदर ही अंदर। तो इसलिए भाई हम अपने बेसमेंट में ही खड़ी करते हैं गाड़ी, कभी बाहर करते नहीं है, क्योंकि एक बार हमने बाहर खड़ी करी थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि भाई AC भी ना बहुत देर में काम करा, फिर उसका कूलिंग करने के लिए अंदर, तो सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी अंदर ही खड़ी करें करो, मैं तो करूँ, जिनकी पार्किंग नहीं उनकी मजबूरी है वो तो करते हैं, कि हर बार गाड़ी का कलर भी फेड हो जाता है। हमारे एक जानने वाले जिनकी गाड़ी अभी रीसेंट मॉडल की है और 1.5 साल हो गए उन्होंने गाड़ी ली हुई, लेकिन बाहर खड़ी करने के चक्कर में पूरी उनकी बॉडी का फेड जो है ना कलर हो चुका है, फेड हो चुका है, थोड़ा येलोइश पन आ गया उनकी पूरी बॉडी में, और वो गाड़ी ऐसे लगती है बहुत पुरानी जैसे, तो बहुत नुकसान है उसके। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एक मूर्ति पहुंचने वाले हैं, यहाँ से लेफ्ट मारते अपने एक मूर्ति आ जाएगा, वहीं पे SP सेंटर है इनका। यार एक चीज़ ने इसमें अंदर मेरी गाड़ी के अंदर लाइट भी आ रही है, एयरबैग की है ये, ज़्यादा मुझे लगता है मैंने देखा भी था एयरबैग की है ये, इस वजह से आ रही है क्योंकि गाड़ी के एयरबैग के आगे कुछ चीज़ अड़ रही है, जिसकी वजह से ना ये साइन दिखा रहा है कि भाई एयरबैग के आगे कुछ लाइट वाइट है या कुछ चीज़ अड़ रहा है जिसकी वजह से लाइट आ रही है, ये चीज़ भी हमें स्कैन करवानी है। तो बस पहुँच गए हम लोग यहाँ पे बोश के सर्विस सेंटर पर, और देखो भाई ये रहा, यहाँ से इसके साइड से एंट्री है, हम लोग आ चुके हैं पर शोरूम में, अंदर देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, और ये रही अपनी गाड़ी। अभी फिलहाल इस वक्त सामने वाली क्विड जो हो रही है वॉश, उसके बाद होगी ये वाली हमारी वेंटो, इनका वॉशिंग एरिया। एक बार ही गाड़ी अंदर से क्लीन होकर यहाँ पे आएंगी, एंड ये मोबाइल जो क्लीन करना है यहाँ पे, तो अच्छा खासा एरिया यहाँ पे SP सर्विस सेंटर का है। अभी फिलहाल देखते हैं वॉशिंग के बाद कैसा इसका आउटपुट आता है। अगेन जी, यहाँ पर सारी छोटी छोटी चीज़ें थी ना, जैसे खरोच वगैरह हैं, इस पर सैंड पेपर लगेगा, और एक यहाँ पे भी थोड़ा क्लीन करेंगे भैया, गाड़ी धुल के हो चुकी है, तैयार इस पर ना भी कपड़ा लगेगा और थोड़ा सा ना वैक्सिंग और पॉलिशिंग वगैरह होगी। लेकिन जो भाई कितनी अच्छी सर्विस है यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे भाई ये मार रहे हैं डीजल और पॉलिश मिक्स करके बता रहे हैं कुछ चीज़, तो जिससे कि ना पूरा ये ब्लैक पार्ट जितने भी इंजन के अंदर की साइड से पूरे शाइन मारेंगे, देख रहे हो इतना ये पूरा एरिया फ्रंट का, और ये एकदम नया जैसा हो गया। तो पहली बार जब हम आए थे यहाँ पे तो इतना सब कुछ काम जम था नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी सर्विस पहले से बेटर हो चुकी है। एंड में भाई सर्विस को ना ख़त्म करते हैं, ये वैक्स लगवा के देखो, ये वैक्स लगवाइए, तो कहने का मतलब है 15-20 मिनट लगेंगे इसको सूखने के लिए, लेकिन हम लोग अभी जल्दी करवा रहे हैं, बहुत लेट में हैं हम लोग। तो फाइनल अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, अब चलते हैं